नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग से स्वागत करती हूं। तो योगिनी एकादशी यानी 2 जुलाई को किया जा रहा है योगिनी एकादशी का व्रत। तो योगिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने का विधान है। तो व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर 7:10 के बीच में कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा खास माना जाता है द्वादशी का व्रत, क्योंकि इस दिन तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत किया है तो व्रत का पारण आप कर सकते हैं 3 जुलाई को सुबह सुबह। इसके बाद में जैसे आप 12 के बीच में एकादशी के बाद में जो पारण करते हैं वो करते हैं द्वादशी तिथि की पहली अवधि में, जो पहला अपरान होता है उसके दौरान करते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग्स में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग से स्वागत करती हूं। तो द्वादशी तिथि सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है और 2 जुलाई 2024 को योगिनी एकादशी थी। तो एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है और द्वादशी तिथि में सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है तुलसी माता की पूजा। तुलसी की इस कथा का पाठ करने से हो सकते हैं सभी पापों से मुक्त। तो जो द्वादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है और इसके साथ ही इसमें अलग अलग द्वादशी आती है, जिसके अंदर क्षीरबड़ी द्वादशी, हरिबोधनी द्वादशी, ये सब खास मानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के साथ वृंदावन आते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना लाभदायक माना जाता है। इस दिन पूजा करने वालों को स्वास्थ्य, धन और समृद्ध जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन दीप भी जलाए जाते हैं तुलसी माता के। तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है द्वादशी तिथि का। इस दिन माता तुलसी की विशेष पूजा की जाती है और तुलसी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। इसलिए एकादशी के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इससे संबंधित कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना राजपाट छोड़कर वन में रह रहे थे, तब उनकी मुलाकात व्यास जी से हुई। उन्होंने शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महत्व समझाया कि व्यास जी ने उन्हें एक पर्वत के पेड़ के नीचे ले गए और वहां जाकर उन्हें बताया कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। तब माता विष्णु के भगवान विष्णु के प्रसन्नता के आंसू गिरने से वहां तुलसी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखते हो, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे तभी उस बरगद के पेड़ के बीच में से 2 टुकड़े हो गए और उनसे 2 देव समान पुरुष निकलकर सामने आए और उनके आगे झुककर कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं। और उनमें से एक पुरुष ने बताया कि वो देवलोक से हैं। एक बार एक सन्यासी की तपस्या भंग करने के कारण उसे श्राप मिला था कि वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आप अपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की कथा कही तब हम मुक्त हो गए हैं। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरु के श्राप के कारण तो मुझे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। आज माता तुलसी की कथा सुनने के बाद हम मुक्त हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों ही पुरुष शुक्रिया बोलकर उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद व्यास जी अपनी कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस द्वादशी के दिन व्रत करने वाला और कथा को कहने वाले को सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो एकादशी का व्रत में शाम को आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज है 2 जून अपरा एकादशी और अपरा एकादशी के व्रत में शाम को जैसे सबसे ज़्यादा एकादशी के व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। वैसे तो अगर आप एकादशी का व्रत करें तो व्रत के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ तक कि नमक का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पानी पर ही जो व्रत रखते हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में शाम को आप जैसे सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। दूध आप ले सकते हैं,
इसके साथ ही जो व्रत में खाए उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सब आप खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें एकादशी के व्रत में, जैसे फल आप खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, और अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो कुट्टू का आटा, आलू, साबुदाना, शक्करकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्ची और सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि नमक बिल्कुल भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, तो वाकई में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में, आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी के व्रत में व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, आपको व्रत कब खोलना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आपको सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक, एकादशी का व्रत होता है तो अगले दिन सुबह तक जो एकादशी की पहली अवधि है उसी के दौरान आपको व्रत खोलना है। द्वादशी शुरू हो जाती है तब आप जो पहली अवधि है, पहला पहर होता है, उसी के दौरान व्रत खोलना चाहिए, दूसरे पहर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत के पहले दिन जैसे दशमी को ही आपको कोई भी व्रत, मतलब कोई भी, जैसे आप प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल ही इनका सेवन ना करें। दूसरे दिन द्वादशी को जैसे जो गेहूँ, मूँग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा का भोजन ले सकते हैं दशमी तिथि को। दस फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, इन अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम, कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरि वास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है। और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कितनी बजे से कितनी बजे तक करना है। तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से और उपवास रखने से साधक को मृत्यु के उपरांत श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन माना जाता है और इसके नियम भी कुछ खास होते हैं जिन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से उनके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, व्यक्ति को सभी पुण्य के समान फल की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ ही ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अलग अलग समय बताया गया, लेकिन योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना जाएगा। और इस अवधि में
व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण के समय साधकों को कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उनको दिन के समय में पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू धर्म में इसको या जो कृष्ण पक्ष के एकादशी उसका सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के दिन ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसीलिए ये दिन सबसे ज़्यादा खास माना गया है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए इना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्णा।